चलो सब तैयारी हो गई, एक और बैग भरती हूँ। शीला सब तैयारी हो गई? हो गई मेरी सब तैयारी। बाप रे इतना सारा सामान, मैं तो एक और बैग लेने का सोच रही हूँ। एक काम करो ना, घर को ही लेके चलो। बहुत घटिया शौक था आपका मेरे नाम के हस्बैंड। शीला अभिषेक तैयारी हो गई कि नहीं तुम दोनों की? जल्दी आ जाओ बाहर। जल्दी करो, माँ बुला रही है। तैयारी हो गई सब? माँ मेरी तो तैयारी कब की हो गई, पर आपकी बहू अभी भी तैयारी हो रही है। औरतों का यही प्रॉब्लम होता है, काफी जल्दी तैयार नहीं होते। औरतों को तैयार होने में समय ही लगता है, तुम लोगों के जैसा नहीं होता। शर्ट पैंट पहना निकल पड़ा, सब चीजें देखनी पड़ती है। वाह वाह वाह, काफी अच्छे दिख रहे हो, खूब भालो। टैक्सी वाला आ गया लगता है। मैं सारे बैग्स टैक्सी में रख के आता हूँ। हाँ जा जा शीला, जा। ससुर जी आशीर्वाद दीजिए। चलो इतने संस्कार तो है। पढ़ 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 पढ़। रहने दे रहने दे। सासु माँ आशीर्वाद दीजिए। रहने दे रहने दे। चलो आजा आजा। रुक मैं तेरी भाभी को तेरी माँ को बाहर बुलाती हूँ। शार्मिला जी की सासु माँ। क्या हुआ? आपको नहीं बुलाया मैंने। देखिए शीला चल पड़ी घूमने। ससमा शीला जा रही है देखो घूमने। दिख रहा है वो शीला डॉटर जा रही बेटा। शर्वरी जी आपका बचपन का दोस्त जा रहा है घूमने शीला के साथ, उसकी वाइफ है ना वो, उसके साथ जा रहा है। जा जा अपनी माँ से भाभी से मिल ला। मामी भाभी। वैसे शीला कहाँ जा रही हो घूमने? मुझे खुद नहीं पता मैं कहाँ जा रही हूँ, सासु माँ ने हमको बोला एक सरप्राइज है, अभी तक नहीं बताया। अरे क्या, आपने एक बार उनको बताना चाहिए ना। ठीक है बता देती हूँ। वो मुंबई के पास में मेरी दोस्त का एक बहुत बड़ा रिसोर्ट है, समंदर किनारे, वही भेज रही हूँ दोनों को। ओहो समंदर किनारे, हाउ रोमांटिक। हमारी शादी को तो पूरे एक साल हो गए, आज भी घूमने नहीं गया हूँ। मामी अपना ख्याल रखना। मैं मेरा ख्याल रखूंगी, तू तेरा रॉक। भाभी शीलो आज बस विदाई नहीं हो रहे उसकी। शीलो जल्दी आ जाओ, फ्लाइट मिस हो जाएगी। अभी जे तुझे बड़ी जल्दी हो रही है घूमने जाने की, देखिए देखिए सर्वरी जी कैसा बोल रहे हैं, जल्दी जल्दी करो। जल्दी करनी ही पड़ेगी, फ्लाइट का टिकट देखा है आपने कितना है? तो मुझे सिखाएगा फ्लाइट की टिकट, सब पता है मुझे, इंटरनेशनल ट्रिप्स की मैं फ्लाइट में बहुत घूमी हूँ मैं हवाई जहाज में, इसलिए तेरा वो हवाई जहाज जैसे हो गया। अच्छा शीला अभी जिससे बच के रहना, पति है वो उसका दुश्मन नहीं। चुप बैठ गा, चा चा अभी देर हो रहा है। हाँ मामी। बाय माँ। बाय बाय शीला। बाय शीला। चली गई देखो, शर्वरी भी चली गई। कुछ तो पकड़ो यार।
लगता है फुसका आ गया। सामान तो पकड़ो कुछ। ताने ये लोग भी ना, अब जाके अच्छा लग रहा है। क्या देख रहे हो सर? क्या क्या? What is this? देखो शीला, तुम गलत समझ रहे हो। जो तुम समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है। मैं सब समझती हूँ अभिजीत, तुमको मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ। भले ही हमारी शादी को एक दो हफ्ते हुए पर तुम क्या चीज हो ना, सब जानती हूँ मैं। तुम्हें यही चाहिए ना? क्या ये दिल बना के रखा है सामने, मुझे समझ में नहीं आता। शीला ये देखो। क्या शीला, तुम चुप बैठो अभी, जी सब जानती हूँ। क्या जरूरत है दिल बनाने की, इधर मैं फेस वॉश कर रही हूँ, तुम्हारा तो इधर कुछ और ही चल रहा है। मम्मी ने पहले ही कहा है, तुम कैसे हो? शीला तुम्हारी माँ को मैं पहले से पसंद नहीं था और कभी पसंद आऊंगा भी नहीं, वो कुछ भी बोलेगी मेरे बारे में। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, ये जो कर रहे हो ना तुम बहुत घटिया हरकत है, समझ गया अभी जी? शीला देखो, तुम्हें पता है हमारा रिश्ता बस नाम का है, फिर इसे दिल बनाने की क्या जरूरत है? दिल बना रहा है यहाँ पे जैसे मुझे समझ में नहीं आ रहा। शांत बैठोगी तुम? नहीं बैठना मुझे, चुप समझ गए तुम? दिल बना रहे, क्या मैं अंधेरे की बात कर सकती हूँ? ओ हेलो शीला, एंड यू अभिजीत, आप कौन? ओह मैं अपने बारे में बताना भूल ही गई, मैं हूँ आप दोनों की स्पेशल गाइड, इनकी मम्मी जी ने मुझे भेजा है। माँ भी ना, मुझे लगता है इसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत होती है, इतना बड़ा शहर है, आप खो गई तो। बाय द वे आज आप कहीं दूर नहीं जा रहे, पास में ही एक मॉल है, आप दोनों वहीं पे जाओगे, मैं आपके साथ नहीं आने वाली, क्योंकि गाइड वाला मेरा पार्ट टाइम जॉब है, फुल टाइम में कुछ और करती हूँ, इसलिए मैंने आपको लोकेशन आपके मोबाइल पे सेंड किया है, वहां पे जाइए। हाँ अपने रिस्क के ऊपर, बाय द वे कल आप जा रहे हो गेटवे ऑफ इंडिया एंड मरीन ड्राइव आल्सो, और उसके बाद चौपाटी के ऊपर भी, रोमांटिक कपल जाते हैं, आप दोनों भी रोमांटिक तो हो ही, भले ही ज्यादा नहीं पर थोड़े से। अभी कल शाम को जा रहे हो आप चौपाटी, अभी मैं जा रही हूँ चुनाभट्टी। ये क्या गाइड है, खुद नहीं आ रही हमको कह रही खुद के रिस्क पे जाओ। देखो अभी वो बोल के गई तो जाना तो पड़ेगा ही। मुझे नहीं जाना। ठीक है मत जाओ तू, मुझे क्या, मुझे लगा हम थोड़ा जाएंगे एंजॉय करेंगे, पर नहीं, मैं काम करता हूँ, माँ को वीडियो कॉल करता हूँ, फिर वीडियो कॉल पे तुम कुछ सीखना कुकिंग का, वैसे भी ऑनलाइन कुकिंग क्लास बहुत अच्छा होता है। नहीं नहीं जाते हैं हम, जाते हैं, वैसे भी यहाँ बैठ बैठ के बोर ही होना है, और ऊपर से तुम्हारी शक्ल देखूंगी तो और बोर हो जाऊंगी, बोरिंग आदमी। मैं ब्रांडेड, मेरी बिट्टी ब्रांडेड, बिट्टी ब्रांडेड है दौड़ी माँ। अरे हाथ में बैग, सोसाइटी छोड़ के जा रहा है क्या? कर कर इग्नोर कर मुझे, और कर इग्नोर, तू चाहे जितना इग्नोर कर, लोगों के दिलों में राज करती हूँ मैं, करती थी हूँ और हमेशा रहूंगी। घुस घुस उसके घर में घुस, शर्मिला क्या हुआ घर से मित्रा? बॉडीगार्ड सोसाइटी छोड़ के जा रहा है, बॉडीगार्ड जा रहा है, हाथ में देखो बैग है उसका, क्यों जा रहा है? जोया को बोल रहा था अब सोसाइटी में कोई खतरा नहीं, तो मेरा क्या काम, मेरी कोई जरूरत नहीं सोसाइटी के लिए, ना सही पर जोया के लिए रुक जाता। मैंने भी यही कहा उसको। कहीं जा रहे हो क्या? जैसे कि मैंने आपको कहा था, अब सोसाइटी को मेरी कोई जरूरत नहीं है, इसलिए मैं सोसाइटी छोड़ के जा रहा हूँ। अभी अभी तो आए थे, अभी ना करो जाने की बात। हाँ बॉडीगार्ड रुकना, ऐसा मत चला जा, पहले सोसाइटी में एक ब्रेकअप हो गया, मैंने किया वो,
पर मैं नहीं चाहती दूसरा भी ऐसा टूट जाए रिश्ता। मत जा, रुक जा, जरा मजे करेंगे हम। मजे लेने का काम आपका है, मेरा नहीं। बरोबर, मुश्किल के वक्त में आप सोसाइटी के साथ खड़े रहे। सोसाइटी के लिए आपने जो कुछ भी किया उसके लिए ढेर सारा शुक्रिया। ये तो मेरा काम था। पैसे भी लेता था उसके, एक दिन के 10,000 लेता है और क्या करता है? मैं बताती हूँ क्या करता, ऐसा खड़ा रहता। वाह, आप वो समय भूल गए जब ढोलकिया जी का बेटा सोसाइटी में चुड़ैल बन के सबको डरा रहा था। तब किसी की हिम्मत नहीं हुई, उस समय तो सबकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी। तब आपको ये याद आया। अगर उस समय ये नहीं आते तो आज भी हम डर डर के जीते। देखो किसी साइड ले रही, देखो इसकी। उसको बोल रहे, इसको क्यों मिर्ची लग रही? प्यार का चक्कर शर्मिला दीदी। मैं आता हूँ, हम सब आपको बहुत याद करेंगे। सबसे ज्यादा जोया को याद आएगा। सच में जा रहा है क्या? ए रोक, जाते जाते मेरी एक शायरी सुनते जा। अर्ज किया है, कुछ तो बोल। इरशाद, तू रहे सोसाइटी में हमेशा, थी मेरी ख्वाहिश। वाह वाह तो बोले, मैं ही बोलती। वाह वाह। तू रहे सोसाइटी में हमेशा, थी मेरी ख्वाहिश। तुझे वापस लाने के लिए जरूर करूंगी कोई साजिश। शुरू हो गई बारिश। साथिया तूने क्या किया, चुन लिया मुझे, चुन लिया, शादी करके पैर पे कुल्हाड़ी मार दिया। हो मार दिया। माँ, ये शीला का कॉल मैं ट्राई कर रहा हूँ, कब से लग क्यों नहीं रहा? कॉल नहीं लग रहा, मैंने 2 घंटे पहले उसको कॉल किया था। वो बोली होटल में पहुंच गई, रुक अभी एक बार फिर से ट्राई करती हूँ। हाँ करो करो, आप ट्राई करो, मैं बहुत देर से ट्राई कर रहा हूँ। अरे हाँ, लग नहीं रहा कॉल। नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। ओ ज्ञानी, मुंबई है वो मुंबई, सब नेटवर्क होते हैं वहां पे। बैटरी खत्म हो गई होगी शीला की, उसने चार्जिंग पे लगा दिया होगा और इधर उधर घूम रही होगी। यहाँ पर भी ऐसे ही करती थी। माँ मैं एक काम करता हूँ, अभिजीत फुसके को कॉल करता हूँ, मैंने उसका नंबर सेव कर दिया है फुसका करके। हाँ कर कर, फुसके बम को कॉल कर। ओह क्या आप उन दोनों को परेशान कर रहे हो, घूमने गए ना वो, कम से कम बात तो उनको सुख चैन से एंजॉय करने दीजिए। उठा चल उठा, चल 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 नल्ले, उठा कॉल जल्दी। माँ उसको भी नहीं लग रहा। Oh no! My daughter! Sasuma, control! No, I can't control! ये फुसके ने जरूर कुछ किया है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। बेटा चल फुसके के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करते, हमारी बेटी को किडनैप करके ले गए, ऐसा करते। क्या कुछ भी बोल रही हो सुमा आप, शीला अभिजीत का पति है। हाँ? अभिजीत शीला का पति है, वो ऐसा कैसे कर सकता है? उसी ने कुछ किया होगा, करते हैं चल FIR। माँ पर 24 घंटे नहीं हुए, हम FIR भी दर्ज नहीं करा सकते। कोई जरूरत नहीं FIR करने की, FIR होता है वो तेज से। माँ शीला का मैसेज आया। क्या क्या है? अब मैं बाहर जा रही हूँ, आने के बाद कॉल करूंगी। देखा, खामखा बात का बवाल कर रही थी पागलों जैसे। तेरे साथ रहकर तो पक्का पागल हो जाऊंगी एक दिन।